हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो कल मेरे हस्बैंड का बर्थडे है और मैं उनके लिए कुछ बहुत ही अच्छा स्पेशल करने वाली थी, बट अभी मेरी 2 दिन से तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और कुछ भी हो नहीं पा रहा है मुझसे। इसलिए मैं सोची कि कुछ नॉर्मल सा बस केक बना देती हूँ, रात को उन्हें सरप्राइज दूँगी। लेकिन अच्छा लगे तो कल ही कटेगा, कल का पूरा दिन उन्हीं के लिए है। और मैं अपने हस्बैंड को हर साल उनके बर्थडे पे क्या देती हूँ, कैसे करती हूँ, वो सब मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। लेकिन अभी सरप्राइज के लिए मैं जा रही हूँ, बिल्कुल नॉर्मल सा केक बनाऊँगी जो मैंने अपने चैनल पे बनाया हुआ है मावा केक। उन्हें बहुत पसंद आता है, सिंपल चीज़ें उन्हें बहुत पसंद आती है, इसलिए कोई क्रीम वगैरह नहीं, क्योंकि अब मेरा मन भी ठीक नहीं है, हो नहीं पाएगा मेरे से। तो नॉर्मल क्रीम जो केक होता है ना, वो बहुत ईजिली बन जाता है, इस वजह से मैं बनाने जा रही हूँ। और अगर मौका मिला तो मैं दिखाऊंगी कि मैं रात को उन्हें कैसे सरप्राइज दे रही हूँ। तो आइए केक बनाते हैं। तो यहाँ पे फटाफट से मैं अपने केक की तैयारी कर लेती हूँ। तो सबसे पहले चीनी मैंने पीस लिया है, घी को थोड़ा सा मैं मेल्ट कर लूँगी ताकि मुझे जो है डालने में आसानी होगी। और मैंने ये केक पहले भी बनाया हुआ है, मेरे चैनल पे है मावा केक। ये बहुत ही ज़्यादा आसान होता है बनाने में और खाने में बहुत अच्छा लगता है, सिंपल सा है और आप फटाफट से बना सकते हैं। चूँकि मेरी तबीयत भी बहुत अच्छी नहीं थी, इस वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ क्रीम वगैरह वाला, तो ये नॉर्मल ही बनाऊंगी। क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना नॉर्मल चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती है, उन्हें सिंपल चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। तो ये सारी मैं तैयारी कर रही हूँ, आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे बेकिंग सोडा, वेनीला एसेंस, ये सारी चीज़ें ले रही हूँ। तो वेनीला एसेंस जो है ना, काफ़ी दिन का हो गया था तो मैं ना इसका एक्सपायरी चेक कर रही थी ताकि ये मतलब यूज़ करने लायक है कि नहीं। तो कोई भी चीज़ें बहुत ज़्यादा दिन की हो जाती है तो हमें यूज़ करने से पहले उसका एक्सपायरी डेट देखना ही ज़रूरी होता है कि वो यूज़ करने लायक है कि नहीं। चूँकि ये मावा केक मैं बना रही हूँ तो थोड़ा सा इसमें मावा, थोड़ा नहीं बहुत ही डालती हूँ मैं, तो बादाम और किशमिश ही डालूँगी। तो इसको भी कट करके मैं यहाँ पे देखिए आप रेडी कर लूँगी और फिर इसको एक साइड में रख दूँगी। यहाँ पे ना घी भी 2 जगह मैंने मेल्ट कर लिया है और इसे नाप लूँगी, क्योंकि सारी चीज़ों को माप के बनाना बहुत ज़रूरी होता है, तभी जो आपका केक है ना वो परफेक्ट और फ्लफी बनेगा। तो मैं एक डब्बा मेरे घर में है, वो करीब 100 ग्राम का है, उसी के अकॉर्डिंग मैं सारी चीज़ों को मेज़रमेंट कर लूँगी। आप को अगर ये वीडियो की रेसिपी चाहिए तो आप वहाँ से देख सकती हैं मेरे चैनल से, वो पूरा ही मेज़रमेंट के साथ मैंने बताया हुआ है। तो ये परफेक्टली जो है ना वो बन जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग जो है मैदे को ना छान लेते हैं, क्योंकि दुकान से आई हुई है तो पता नहीं कैसी होगी नहीं होगी, इसलिए हम लोग छान लेंगे इसे फटाफट से। और एक साइड पे मैं ना घी को भी गर्म कर रही थी तो वो भी हो चुका है अच्छे से मेल्ट, क्योंकि घी मुझे डालना था थोड़ा ज़्यादा ही लेकिन मैंने कम मेल्ट कर दिया था इसलिए। और यहाँ पर अब मैदा को मैं छान लूँगी। तो मैदे के साथ ही ना जो भी आप लोग को बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ये सारी चीज़ें डालनी हो वो साथ में ही डाल देंगे तो सही रहेगा, और वो भी छान लेना होता है साथ में ही। बहुत सारे लोग हैं कि केक जो है वो लास्ट में ही बेकिंग पाउडर और सोडा डालते हैं, तो आप वो प्रोसेस भी अपना सकते हैं, और मैं तो बस इसी तरीके से बनाती हूँ। तो यहाँ पर सारे जो है मैंने मैदे को छान लिया है, अब आगे का प्रोसेस करती हूँ। घी मेरा थोड़ा कम था तो मैंने और ले लिया। आप घी के जगह पे बटर या फिर रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं, आपके ऊपर है, लेकिन घी में ना अच्छा स्वाद आता है और टेस्टी भी बनता है, क्योंकि ये मावा वाला जो है ना, ये वाला केक घी में ही अच्छा लगता है। तो आप लोग इसे घी में बनाएं, और अगर नहीं हो तो फिर तो रिफाइंड या फिर कोई भी ऑयल जिसमें स्मेल ना हो वो आप इस्तेमाल करें। तो ये मैं अच्छे से सारे घी को निकाल दूँगी बर्तन से, और फिर इसमें सबसे पहले पीसी हुई चीनी डालूँगी और चीनी के साथ अच्छे से मैं इसे मिक्स कर लूँगी। और अच्छे से मिक्स करिए, थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर आ जाता है ना तो फिर अच्छा बनता है केक, बहुत ही सॉफ्ट एंड स्पंजी बनता है। तो मुझे केक बनाने में बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होती है, मेरा जो केक होता है वो बहुत ही अच्छा बन जाता है, क्योंकि मुझे शायद आदत हो गई है केक बनाते बनाते, या फिर कहिए कि मुझे अच्छा लगता है बनाना इसलिए। तो इसे अच्छे से मैं फेंट लूँगी इस तरीके से।
फिर आप चाहें तो इसमें मैदा डालें या फिर दूध डालें। तो सबसे पहले मैं इसमें दूध ही डाल दूँगी, दूध डाल के मिला दूँगी, ताकि जब मैदे को मैं मिलाऊँगी ना तो वो आपका अच्छे से मिल जाए, ज़्यादा मुझे मिलाने में दिक्कत ना हो। उसके बाद इसमें देखिए मैं विनेगर डाल रही हूँ, विनेगर से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, तो आप ज़रूर विनेगर डालें केक में। और फिर थोड़े थोड़े करके मैं इसमें मैदा को डालते जाऊँगी और मिक्स करते जाऊँगी। तो यहाँ पे बैटर जो है मेरा वो रेडी हो चुका है, तब मैं इसमें डाल दूँगी वेनीला एसेंस। वेनीला एसेंस से काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है केक में। अगर आप एग वाला बना रहे हैं तब तो आपको ज़रूरी डालना पड़ेगा इसमें वेनीला एसेंस, लेकिन मैं एगलेस ही केक प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे अंडे का जो स्मेल होता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और मेरे घर में मेरी जो माँ है वो वेजिटेरियन है प्योर, तो इसलिए मैं एगलेस केक बनाती हूँ। और ये जो है ना, मैं नमक को रखे रहती हूँ, इसी से बार बार मैं केक को बेक करती हूँ। तो यहाँ मैं कुकर में ही बना रही हूँ, और सबसे पहले नमक को थोड़ा सा अच्छे से भून लूँगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है तो वो उड़ जाता है और आपका जो केक है वो अच्छा बनता है। अब मैं इसे ढक कर के प्रीहीट कर लूँगी और स्टैंड भी इसी में लगा दूँगी। मेरे घर में ओवन नहीं है तो मैं हमेशा से केक जो है ना वो कुकर में ही बनाती हूँ। और यहाँ पे बैटर रेडी हो जाएगा, तो थोड़ा सा जो है मैं इसमें बिल्कुल भी एक चुटकी या कहीं डेढ़ चुटकी के करीब नमक डाल दूँगी। नमक डालने से जो है ना बैलेंस करता है मिठास को। और यहाँ पे मैंने केक टिन नहीं यूज़ किया है, मेरे पास केक टिन भी है लेकिन मेरे कुकर में वो अटेगा नहीं, तो मैं कटोरे में ही बना रही हूँ इसको। अच्छे से तेल और मैदे से मैंने ग्रीस कर लिया है, तो अब सारे बैटर को मैं इसमें डाल दूँगी। बैटर बहुत पतला नहीं होना चाहिए केक का कभी भी, वरना आपका केक जो है वो स्पंजी नहीं बनेगा। तो बैटर जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है हमेशा से आप वैसा ही रखें। और फिर मैं बर्तन को भी हटाते जाती हूँ और धोते जाती हूँ, ताकि मेरा काम जो है ज़्यादा भारी ना हो। तो यहाँ मैंने मंगाया था दुकान से, बेकिंग पाउडर ख़त्म हो गया था, बेकिंग सोडा सॉरी, तो उसे मैं डब्बे में भर के रख देती हूँ। फिर इसे टैप टैप करके इसका जितना बबल्स एयर होता है ना उसको हम लोग निकाल लेते हैं अच्छे से। तो ये सारे टैप टैप करके मैं इसे अच्छे से बिठा लूँगी और फिर कुकर में डाल के यहाँ पे मैं ऊपर से ये देखिए ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं थोड़े से मैंने नीचे में डाला था, थोड़े से ऊपर में भी डाला था, और सबको डाल दूँगी। तो यहाँ पे जो है मैं चेक कर लेती हूँ, पूरे अच्छे से गर्म भी हो चुका है। अब इसको कुकर गर्म है तो थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से आपको पकड़ के ही इसमें डालना होगा, और फिर इसको एडजस्ट करूँगी ताकि ढक्कन जो है वो लग जाए। फ्लेम को यहाँ पे लो हाई बोल सकते हैं आप, मीडियम से थोड़ा सा कम रखूँगी, प्योर लो पे भी नहीं बनाऊँगी, थोड़ा सा मीडियम से थोड़ा सा कम कर देना है फ्लेम को। और फिर ये 40 से 45 मिनट में पूरे अच्छे तरीके से आपका केक जो है वो बेक हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा केक देखिए अच्छे तरीके से बेक हो चुका है पूरा। कैसा लग रहा होगा कि बट जो जो चीज़ें थी, फूल जो है वो आया हुआ था पूजा के लिए, तो मैंने ना इसको सजा दिया यहाँ पे देखिए। और एक गुलाब का फूल मैंने मंगा लिया था, यहाँ पे मोमबत्ती दिवाली की बची हुई थी वो ले लिया है, घर का रेगुलर यूज होने वाला चाकू है, और ये मेरा केक है। आई डोंट नो कि ये सब कैसा लग रहा है, बट मैंने बहुत ही दिल से किया है ये सारी चीज़ें, तो आई होप मेरे हस्बैंड को ये सब बहुत पसंद आएगी। तो जा रही हूँ मैं अपने हस्बैंड को सरप्राइज़ देने, आप लोग मेरे साथ बने। तो मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी कुछ पता नहीं था, रूम में अंधेरा था और मैं केक को पूरे अच्छे से डेकोरेट करके ले आई, वो सोए हुए थे और बिल्कुल भी शॉक्ड हो गए, क्योंकि उनको ऐसा कुछ भी अंदाज़ा नहीं था कि मैंने ऐसा कुछ किया है। मैंने ये रोज़ भी मंगा करके रखा हुआ था और वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, बहुत खुश थे वो। और
यहाँ पे देखिए इतने खुश हो गए थे कि मतलब मैंने इतना कुछ किया। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ मत करना, जो होगा सुबह में केक वगैरह हम लोग काट लेंगे। बट मेरा मन नहीं माना, मैंने सोचा कि तबीयत क्या क्या है, वो तो ख़राब और अच्छा होते ही रहता है। मैं तो सोची हूँ कि मैं करूँगी। और फिर ये देखिए वो काफ़ी नींद में थे, मैंने उन्हें नींद से जगा दिया और मैंने सोचा कि हम लोग अकेले ही केक काट लेंगे। फिर मुझे अच्छा नहीं लगा और मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि सबको जगा दो, और उनको मैंने पूरा तेल उल भी लगा दिया था। तो मैं थोड़ा सा बाल ठीक कर दे रही हूँ ताकि जो है अच्छे से हम लोग का फ़ोटो आए। फिर मेरी बेटी काफ़ी एक्साइटेड थी, दिन में ही मुझे बोल रही थी, मम्मा आपने पापा के लिए केक नहीं बनाया, पापा का बर्थडे है। तो इसलिए मैंने जो है ना बेटी को भी उठा दिया कि उठो, एकदम तुरंत ही सुनी जैसे कि पापा का बर्थडे है, वो उठ गई और पूछने लगी केक आया है। और यहाँ पे मैंने सबको, घर में जितने भी लोग हैं सबको भी बुला लिया था कि हम लोग साथ में जो है केक कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मेरी बेटी बहुत एक्साइटेड है कि वही केक काटेगी। मैंने बोला ठीक है चलो तुम ही काटो, तो पापा के बदले वही काटेगी, तो आइए केक काटते हैं। तो हम अपनी खुशियाँ जो है ना ऐसी छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा तामझाम में विश्वास नहीं रखती, मुझे थोड़ा पसंद भी है कि हाँ थोड़ा अच्छे से करूँ, बट मेरे हस्बैंड को उतना पसंद नहीं है। और अकेले क्या ही कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं कर सकते हैं, हाउस वाइफ हैं, बच्चे हैं, अपना भी बहुत सारा काम होता है, यूट्यूब चैनल है, तो इन सब चीज़ों से जो टाइम मेरे को मिलता है तो मैं सोचती हूँ कि कुछ स्पेशल दिन को स्पेशल बना दिया जाए तो मुझे अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं फ़ोटो वगैरह थोड़ा सा पोज देके क्लिक करवा रही थी और फिर मेरी बेटी ने फूंक दिया और फिर केक को इसने ही कटिंग किया। तो अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें अगर आप किसी के लिए करते हैं, स्पेशली अपने लाइफ पार्टनर के लिए, तो उन्हें भी अच्छा लगता है। ये लोग पूरे साल हमारे लिए इतना सोचते हैं, हमारे लिए करते हैं, हमारी खुशियों के लिए करते हैं। तो ये छोटी छोटी खुशियाँ ना, मैं हर साल ये सब चीज़ें करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है ये सब करना। और मैं अपने हस्बैंड का जो है ना बर्थडे बहुत ही अलग तरीके से सेलिब्रेट करती हूँ। मतलब ये पूरा ब्लॉग में तो एक बार मैं नहीं दिखा पाऊँगी, कल का मेरा अलग ही ब्लॉग होगा सुबह का, कि हम लोग मार्केट वगैरह भी जाते हैं, मैं इन्हें शॉपिंग करवाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। हालांकि ये मना करते हैं, बट मैं बोलती हूँ कि साल भर तो आप मुझे सब कुछ खरीद के देते हो, लेकिन साल में एक बार मैं आपके लिए खरीदूँगी कपड़े। और मैं कपड़े ही दे पाती हूँ, लेकिन अच्छे ब्रांड्स के देती हूँ, अच्छे अच्छे कपड़े देती हूँ जो उन्हें पसंद होती है। तो चलते हैं, अब कल सुबह हम लोग मिलेंगे और आप लोग देखिए मैं एक से एक पोज में फ़ोटो भी इनके साथ खिंचा लूँगी। तो यहाँ किचन में आ गई हूँ मैं और केक कटिंग हो गया, अच्छा लगा उन्हें, बहुत खुश हो गए, केक बहुत पसंद आया, बहुत सुंदर, बहुत फ्लफी बना है। और हम लोग का मन नहीं माना इसलिए तो फिर मैंने सबको जगा भी दिया, तो सब ने मिल के जो है बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया है। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप लोग को भी सिंपल और सादा में किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करना है, सरप्राइज करना है, तो इस तरीके से कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बहुत तामझाम करना है। इस तरीके से भी आप सिंपल में केक का हल्का सा बना के और इस तरीके से डेकोरेट करके आप अपने स्पेशल वन को सरप्राइज कर सकते हैं। मेरे हस्बैंड को तो बहुत अच्छा लगा, आई होप आप लोग ट्राई करेंगे तो आप लोग को भी अच्छा लगेगा, जिनके लिए भी आप करेंगे। तो अब मैं जाती हूँ सोने, क्योंकि कल सुबह उठना है और कल का दिन जो है बहुत बिजी रहने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।